सो गाइस आज हम जाने जा रहे हैं सरिस्का नेशनल टाइगर रिजर्व में। वहां पे हम करने वाले खूब सारी मस्ती। वैसे आज ऑफ है बट हम किसी थ्रू हम उसमें चले जाएंगे और फिर आपको बताते हैं आगे हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और गाड़ी के थ्रू हम भिवाड़ी से निकले हैं। भिवाड़ी से सीधा अलवर जाएंगे, वहां पे एक बंदे से मिलेंगे, उसके बाद सीधा हम चलेंगे सरिस्का नेशनल पार्क में। तो चलो शुरू करते हैं हम आगे की जर्नी। हेलो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बालेठा सरपंच के घर पे। ये हमें यहाँ से लेके जाएंगे सरिस्का में। इनके ब्रदर आने वाले हैं जो हमें सरिस जंगल है सरिस्का का, इसमें हमें घुमाने लेके जाएंगे और यहाँ पे घूमेंगे और देखेंगे कौन कौन सी यहाँ की जगह। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ कितनी खूबसूरती है, लोगों का क्या व्यू है, और आप गाड़ी की हालत देख सकते हो क्या हालत हो चुकी है गाड़ी की यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे व्यू देखो, आप व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पे आप जंगल वंगल देख सकते हो पूरा। ये इनका पूरा घर है यहाँ पे। यहाँ के पहले पूर्व सरपंच रहे हुए हैं, सरपंच थे यहाँ के, ठीक है। और अब हम यहाँ इनके घर में जा रहे हैं। अभी अब हम मिलवाते हैं अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ कि हम किस किस साथ जा रहे हैं। ये हमारे बिग ब्रदर दोनों हैं, हितेश यादव और अजय यादव। अब हम जा रहे हैं सरिस्का जंगल में घूमने के लिए। ये बारोठा के सरपंच के बेटे हैं जो हमें यहाँ पे घुमाएंगे। चलते हैं यहाँ सीधा। और ये हमारे कौन है? मोटा भाई। मोटा भाई हमारे जो हमें आगे यहाँ तक पहुँचाने आए। चलते हैं सीधा यहाँ से, उसके बाद आगे का आपको टूर बताते हैं पूरा कैसे हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं। पूरा ट्रैक्टर मंगा लेंगे, ठीक है। और हमारे तेज भाई कह रहे हैं ट्रैक्टर से जाने की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम चल चुके हैं सरिस्का जंगल की तरफ। देखते हैं आगे क्या बात है। हमारे साथ आ चुके हैं बारोठा सरपंच के बेटे। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। देखा अभी अंदर जंगल में जाके देऊंगा। अच्छा, जंगल में जाके जाओगे आप? ये अपना जंगल में जाके इंट्रोडक्शन देंगे। ये हमारे बिग ब्रदर है, ठीक है। और साइड में कौन से ब्रदर है? अरे जेठालाल जी, देख लीजिए, कहानी खुजाते रहोगे। और हमारे बिग ब्रदर के स्मॉल ब्रदर, ठीक है, ये हमारे साथ। हम चलते हैं। इसमें डाल दे बोलेगा। अब देखो सरिस्का का ये नया दर्शन, ये रोड है। इतने जानवर जूनवर भी ना रह रहे होगा ना? ना, सारा जानवर इसी में पड़ा। कहाँ जा रहे थे? 20-25 तो शेर ही पड़ा है। चीता शेर, चीता बाघ, वो तो भाई शेर खुला। और अब हमें बताएगी आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है। उनके पीछे पूछ रहे कितने जने हैं। हम चार जने हैं अंदर। उन्होंने बोल दिया है कि आगे जाओ, घूम के आ जाओ, पांडुपोल जाओ, सरिस्का घूमो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए। सरिस्का वीआईपी एंट्री, वीआईपी लोगों के लिए ना। ये देखिए नजारा, देखिए एक नंबर नजारा। कह रहा था क्या? हाँ, ये नहीं रास्ता भी चालू होगा, अभी तो नॉर्मल रास्ता है, देखने लायक रास्ता है। पेट का पानी हिलने लग गया है, ऐसा रास्ता है। बियर हिली नहीं अभी तक, बियर नहीं हिली अभी तक। ये सब देखने की गाड़ी की डिग्गी मिल रही है अभी। हमारी गाड़ी चेक नहीं करी क्योंकि इनके यहाँ जान पहचान है। अब हमारे ब्रदर परमिशन लेके आ चुके हैं, हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं घूमने के लिए। और अब देखते हैं क्या होता है आगे, हमें क्या क्या नई नई चीजें दिखाने जाते हैं। ये बता रहे कि शेर अभी गुफाओं में सोए हुए, सर्दी के कारण, बारिश के कारण ही सर्दी हुई है।
वो पी पा के सो रहे हैं और इन्होंने अपना पीने का प्रोग्राम बना लिया शायद से लगता है मुझे। अभी तो नहीं, अभी तो मंदिर में एक बार प्रसाद ढोक दूंगा। इनका कहना है कि मंदिर में ये ढोक देख के आएंगे भैरव, उसके बाद भैरव पर चढ़ाएंगे प्रसाद, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। आप आगे देख पा रहे हो रास्ता कितना बढ़िया है, बढ़िया मतलब घूमने लायक बढ़िया, गाड़ी के लिए बढ़िया नहीं है। ये हमारे एक बंदे हैं जो बहुत ज्यादा डर रहे हैं गाड़ी में, मैं इनको कह रहा हूँ कि आप इधर ही उतर जाइए चौकी में बैठिए, जब तक हम वापस होके आते हैं डर भी नहीं लगेगा, सारा काम भी हो जाएगा। मौसम बिल्कुल चिल है, एक नंबर देखने लायक है। और हमारे ये हमारे साथ जो एक स्मॉल ब्रदर है, मतलब बिग ब्रदर के छोटे भाई, वैसे साइज में स्मॉल नहीं है, ठीक है, पीछे बारेटा सरपंच के ब्रदर है और पीछे हमारे मेन डॉन साहब और पीछे हमारे, अरे देख ले किंडक साहब, अरे देख लो सर, ये हमारे साथ है, बाकी मैं भी हूँ इसमें, ठीक है। ये बीच बीच में देख सकते हो, छोटे छोटे तालाब से आते हैं, देखने लायक नजारे है, बिल्कुल एक नंबर। ब्रदर समझाने गए उनको कि यहाँ से गेट खोलना, यहाँ से ओपनिंग के लिए जाएंगे। ये आप सामने गेट देख सकते हो, ये मेन गेट है, ये आज बंद है, वैसे नॉर्मली वीआईपी एंट्री से जा रहे हमारे पीछे बैठे हुए अतिथि, और इन्होंने आगे उनसे बात कर ली है, अब आगे गेट खोलने वाले हैं। ठीक, कैमरा बंद कर लेते हैं क्योंकि किसी को इस रास्ते से कभी आने नहीं दिया जाएगा, ये स्पेशल रास्ता है, यहाँ पे नॉर्मल लोग जो आते हैं वो मेन वाले रास्ते से आते हैं, जिसमें अलाउड उसमें 750 रुपये समथिंग टिकट होती है, जिसके थ्रू आप आते हो, वो भी आपको बार बार घुमा के ले जाते हैं, बट आप इसके इस रास्ते के थ्रू आप मेन जंगल के अंदर घूम सकते हो, जंगल में भैंस घूम रही है, भैंस रेल के डब्बे जा रहे हैं, और यहाँ पर हर लोगों के पास करीब 100-150 भैंसे हैं। इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है, एक भैंस है 2 किलो दूध समथिंग दे देती है, तो 100 भैंस है 10 किलो, चलो हम 10 किलो नहीं माने तो 2 किलो मान लेते हैं, 99 साल की छोटी बात करते हैं, 2 किलो तो बकरी का भाड़ा, बकरी भी है इनके पास यहाँ पे, पर बकरी को शेर उठा ले जाता कई बार, इसलिए भैंसों में ज्यादा बिलीव करते हैं, भैंस में 2 किलो दूध देती है, 100-100 भैंसे, खाने का कोई खर्चा नहीं क्योंकि जंगल में घुमाते हैं, इसके कारण इनको कोई खर्चा नहीं आता, जैसे अपने वहाँ पे भैंसों में चलाएंगे तो खल डालने पड़ते हैं, काकड़ा डालना पड़ता है, वो ज्यादा खर्चा होता है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं, जंगल में घुमाओ, एक नंबर देखने का नजारा है, बिल्कुल आप देख सकते हो, शेर का ये रास्ते देखो कितने प्यारे रास्ते, देखने लायक रास्ते है, और गाड़ी पीपी बोने लग गई है, सीट बेल्ट का इशारा कर रही है, और सीट बेल्ट हमेशा लगानी चाहिए बंदों को, खराब खराब इससे छोड़ा है, अब हम जानते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या, और टाइगर रिजर्व इसको कब नाम दिया गया, इस सरिस्का इसका नाम क्यों दिया गया, इन सब चीजों के बारे में पूरी हिस्ट्री जानते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज जगह पे घूमने से पहले उस चीज की हिस्ट्री हमें पूरी की पूरी तरह पता होगी। 1955 से पहले 1955 के टाइम पे इसे एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता था, जिसमें अलवर स्टेट में सिचुएटेड है, और इसे जो रॉयल फैमिलीज होती थी, जैसे राजा तेज प्रभाकर है, और इनकी जो फैमिली डायनेस्टी है अरुल का डायनेस्टी है जो इनकी, उससे बिलोंग करते थे, ये इसे नॉर्मली शिकार करने के लिए यूज़ करते थे, जो टाइगर्स होते लेपर्ड्स होते इनका शिकार करने के लिए यूज़ करते थे। तो इसमें एक गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट चलाया, इंडी प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट इसमें 1978 में चलाया गया था, जिसमें क्या कर रहे थे वो कि जो भी टाइगर इंडिया में अवेलेबल है, थोड़े बहुत उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होने लगी थी, तो ये इनको रिजर्व करने के लिए वेरियस पार्क में उसे डाल रहे थे, तो उस टाइम पे इसको एक टाइगर रिजर्व इसमें सरिस्का नेशनल पार्क में इसको डाला गया, और 1990 में इसको सरिस्का नेशनल पार्क का पूरा दर्जा दिया गया। और जो ये पूरा जंगल है वो 273.8 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बट ये सेंचुरी है पूरी वो 800 स्क्वायर किलोमीटर फैली हुई है। आपको इसमें वेरियस टाइप के इसमें एनिमल्स मिल जाएंगे, फ्लोरास मिल जाएगी, जड़ी बूटियाँ मिल जाएगी, जो भी आपको चाहिए होता है वो हर टाइप की यहाँ पे चीज़ अवेलेबल होती है इसमें। और आपको बता देता हूँ, ये इंडिया में पहला ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें सक्सेसफुली रीअलोकेटेड करा गया था टाइगर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स जो रतनबोर बोरे जो नेशनल पार्क है वहाँ से फर्स्ट टाइम एयर के थ्रू वहाँ से टाइगर को लेके सरिस्का नेशनल पार्क में छोड़ा गया था 28 जून 2008 को। इसमें आपको अलग अलग टाइप की स्पीसीज मिल जाएगी, जैसे आपको बंगाल टाइगर मिल जाएगा, लेपर्ड मिल जाएगी, कैट्स मिल जाएगी, हिरन मिल जाएंगे, नील गाय मिल जाएगी, चीता, सांबर, नीले हिरन, सब चीज़ आपको मिल जाएगी, कई टाइप के इसमें आपको पक्षी मिलेगी जो यहाँ पर नॉर्मली आपको नॉर्मली एरिया में नहीं मिलेगी। ये बहुत खूबसूरत पार्क है, उसमें देखने लायक बहुत ज़्यादा
चीज है। और आपको यहाँ पे ये चीज को एक और चीज को नोटिस करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सबसे फेमस एक और चीज से जाना जाता है, हनुमान जी के टेम्पल से। यहाँ इसे पांडू पोल कहा जाता है। ये एक ऐसा टेम्पल है जो पूरी इंडिया में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे हनुमान जी विश्राम पोजिशन लेते हुए पोजिशन में है। और आपको इसको कहानी बताऊंगा आगे में आने वाले टाइम में, थोड़ी सी वीडियो को आगे ले जाएंगे जब हम आपको कहानी बताएंगे पांडू पोल के असल में कहानी क्या है, और वहाँ के पंडित जी से आपको मिलवाएंगे, वो आपको पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। और आपको यहाँ पर रीच करने के लिए अगर आप बाई एयर आते हो, आपको अगर इस जगह को रीच करना है तो आपको बाई एयर आते हो, तो रीच करने का सबसे अच्छा तरीका आप जयपुर एयरपोर्ट पर उतरिए, वहाँ से आप टैक्सी पकड़िए, आप अलवर रहिए, अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क आप आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हो, जयपुर साइड से आ रहे हो, बस सीधा आप अलवर की बस पकड़िए, वो आपको सरिस्का नेशनल पार्क वहाँ पर छोड़ देगी। बाई रोड आपके लिए इजीली, आप कहीं भी गूगल मैप में डालिए सरिस्का टाइगर रिजर्व और आपके यहाँ से मिल जाएगा। दिल्ली से कम आप नहीं मानो तो 200 से 250 किलोमीटर है, और जयपुर से 120 किलोमीटर समथिंग ये एरिया पड़ता है। अगर इसको विजिट करने का टाइम सबसे बेस्ट टाइम है जून से लेकर अक्टूबर तक, इसमें सबसे बेस्ट मौसम होता है, इसमें देखने लायक चीज़ें होती है, जो भी एनिमल्स होता है आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इसमें ये जो पार्क है वो मेनली 2 दिन के लिए खुलता है, जो मतलब प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकते हो उसमें मेनली 2 दिन के लिए लेके जा सकते हैं, शनिवार को और मंगलवार को, जिसमें सुबह 9 बजे ये पार्क चालू हो जाता है, 9 बजे कहते हैं बट नॉर्मली 6:30 बजे एंट्री करने लग जाते हैं और शाम को 3 बजे तक चलता है। इसमें आप नॉर्मली अंदर जा सकते हो, अच्छी तरह से विजिट कर सकते हो, पर आपको जंगल के अंदर नहीं घुसा जाएगा, उसमें दिया जाएगा, मतलब मेन जो रास्ता है उस पर आप जा सकते हो, मतलब कि आप जंगल के अंदर किसी साइड वाइड के एरिया में इसमें नहीं जा सकते, गाड़ी अलाउड नहीं होती। ये पूरा जो पूरा पार्क है इसमें पूरे थर्मल कैमरा लगे, आपको हर जगह ट्रैक करा जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें देखने लायक ये भी चीज़ है इसमें, तो आप इसमें परमिशन चाहिए होती है, और गाड़ी की कुछ फीस होती है, अराउंड 1100 रुपीज फीस होती है पर पर्सन की, 400 या 500 रुपीज समथिंग फीस होती है। अगर आपको जंगल के अंदर घूमना है, मतलब मेन अदर जगह देखनी है, तो आप इसमें सफारी राइड्स ले सकते हो, वो नॉर्मली बहुत महंगी पड़ती है, जो 3500 रुपये एक बंदे के लेती है और आपको घुमा के ले जाती है, और 6 बंदे को मिनिमम चाहिए होता है। तो अब जानते हैं, आप व्यूज़ को इन्जॉय करिए और देखिए अभी क्या होने वाला है। ये बहुत मेहनत करता है, पत्थर फेंक का है गाड़ी के नीचे वो आ गए, अब यहाँ गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया था जिसके कारण गाड़ी को हमें कारण बस पीछे लेना पड़ा। बड़े बड़े पत्थर के अंदर से पत्थर पहनने के हमारे चश्मे चश्मे तो दिखाओ भैया के, चश्मे लगा के बैठे पीछे शेर को दिखाने के लिए, मेन शेर तो पीछे बैठा है। देखने लायक नज़ारा एक नंबर, अब देख सकते हो आगे कैसे कैसे रास्ते हैं, गाड़ी को चलाते समय मज़ा आ रहा है। अभी देख के ना गाड़ी फिसल रही है, देखिए किया इधर से लेता ना कि निकल गया एक बार।